देखो इस एग्जाम्पल में एक रिंग है सेमी सर्कल की फॉर्म में और ये इस शेप में है. ये रिंग घूम रही है विद ओमेगा, रोटेट कर रही है विद ओमेगा, सच दैट इसका कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है और कुछ पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है. अब क्या सिचुएशन है, जब ये रोटेट करेगी तो इसका जो पोर्शन बाहर है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, घूमेगा मैग्नेटिक फील्ड में पूरी तरह आ जाएगा और फिर बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे ही होगा, पहले ये बाहर है, फिर ये इनसाइड और इनसाइड और इनसाइड पूरा इनसाइड, फिर खाली खाली जो है बाहर आता जाएगा. राइट, क्लियर है यहाँ तक? अब इस केस में सिचुएशन कुछ ऐसी समझते हैं. देखो सिचुएशन ऐसी होगी कि अगर मान लो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है. मेरे हिसाब से डायग्राम ऐसा बनेगा अगर मैं इसके कुछ स्टेजेस बनाऊं. पहली स्टेज ऐसी बनेगी कि जब पूरे का पूरा सेमी सर्कल बाहर है, पहली स्टेज है. दूसरी स्टेज ये बनेगी कि सेमी सर्कल एंटर कर गया कुछ इस तरीके से, राइट, पहले बाहर है एंटर कर गया. तीसरी स्टेज बनेगी कि सेमी सर्कल पूरे का पूरा अंदर एंटर कर गया. ये पॉइंट भी क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक. चौथी लास्ट स्टेज बनेगी कि जब सेमी सर्कल अब बाहर निकल रहा है कुछ इस तरीके से. क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? स्लो मोशन में दिखाया मैंने, पहले ये सिचुएशन है, फिर एंटर कर गया, पूरा एंटर कर गया और बाहर निकल गया. ठीक, अब क्योंकि जब ये एंटर करेगा तो इसका कुछ एरिया मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा, तो एरिया बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो फ्लक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा और जब फ्लक्स बढ़ेगा तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट इसमें जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो जब ये एंटर करेगा इसका एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा, फिर फ्लक्स कम होगा तो इस तरीके से चेंजिंग फ्लक्स है तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी. आपको ग्राफ प्लॉट करना है. जब ये पूरा रोटेट करेगा तो इसमें ईएमएफ है तो इसमें करंट होगा लूप में, तो जो करंट की वैल्यू है उसका ग्राफ क्या होगा करंट का जब ये रोटेट कर रहा होगा, ये क्वेश्चन है. ठीक है यहाँ तक? तो अब इस केस में हमें क्या करना है कि जैसे जब ये एंटर कर रहा है इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, इसमें जब भी कोई सेमी सर्कल होता है ना तो सेमी सर्कल के अंदर जो आप कंसिडर करते हैं वो रॉड कंसिडर करते हैं. याद है हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा लूप है, टेढ़ा मेढ़ा लूप है तो क्या डिस्कस किया था आपने सिर्फ एंड पॉइंट्स लेने होते हैं. ठीक है, तो आपने सिर्फ एंड पॉइंट्स लेने होते हैं और आपने ये कंसिडर करना होता है कि ये लूप नहीं घूम रहा, एक रॉड घूम रही है. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ठीक, फॉर एग्जाम्पल जब ये रोटेट करेगा तो आपने सिर्फ एंड पॉइंट्स लेने हैं ए एंड बी बस. तो आप ये कंसिडर करें कि जैसे ये एक रॉड है, जब रॉड रोटेट कर रही है, हमने लास्ट टाइम एक्सप्रेशन किया था हाफ बी ओमेगा इंटू एल स्क्वायर, याद है वो एक फॉर्मूला किया था रॉड रोटेशन का. तो रॉड अगर रोटेट कर रही है तो इसमें वही ईएमएफ की वैल्यू लगेगी, डायरेक्शन फ्लेमिंग का रूल. बी कहाँ पर है, फ्लेमिंग का राइट हैंड, बी कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर. डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर कहाँ पर है, ये रहा, तो बी बोर्ड के अंदर है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर ये रहा, तो करंट कहाँ इंड्यूस होगा, ऐसे बी ऐसे है, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर ऐसे है और करंट ऐसे है. ठीक, अब होगा क्या, जब ये बाहर निकल रहा होगा जैसे इसके अंदर अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम ज़्यादा बेटर है, इस पे लगाते हैं. तो जब ये फर्स्ट सिचुएशन ऐसी है, इस सिचुएशन में जैसे ये कंडक्टर है, इसमें लगाते हैं ये कंडक्टर है, तो फ्लेमिंग का रूल बी इनसाइड, मोशन ऑफ कंडक्टर ये रहा,
करंट कैसे है, ये रहा। तो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंट्री कर रहा होगा तो करंट कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और जब ये एग्जिट कर रहा होगा, तो जब ये एग्जिट कर रहा है तो उस केस में करंट कैसा होगा, जब ये एग्जिट कर रहा है ऐसे, तो बी बोर्ड के अंदर है, मोशन ऑफ कंडक्टर ऐसे है, तो करंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जब ये एंटर कर रहा होगा तो करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज, और जब ये बाहर निकल रहा है तो करंट कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। वैसे भी लॉजिक बहुत क्लियर है ना, कि जब ये एंटर कर रहा होगा तो इसका फ्लक्स बढ़ रहा होगा, और करंट मान लो एंटी क्लॉकवाइज है, तो जब ये बाहर निकलेगा तो करंट को ऑपोजिट होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसका फ्लक्स पहले बढ़ रहा है, अब फ्लक्स कम हो रहा है, इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन। तो ये लॉजिक समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब इसके अंदर अगर मैं ईएमएफ की बात करूँ, तो ईएमएफ का फॉर्मूला तो बिल्कुल ही क्लियर है, हाफ वी ओमेगा इनटू ए स्क्वायर, बात ही खत्म। तो सीधा रॉड का फॉर्मूला लगाया, काम खत्म हो गया। और अगर करंट निकालना हो, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। अब ग्राफ प्लॉट करना हो, तो जब एंट्री हो रही थी तो करंट कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव करंट, और जब बाहर निकल रहे तो करंट कैसा है, क्लॉकवाइज, डायरेक्शन हैज चेंज्ड, और करंट की वैल्यू ये थी। तो ग्राफ प्लॉट हो जाएगा ये, इस पर लिख लें नॉट फॉर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये।